साथियों, अभी हम लोग मैसेज आए एग्जाम डोर चैनल पर और आप लोग लगातार देख रहे हैं कि एक एक करके जब मंगला चौराहा से अभ्यर्थी को पकड़ा जा रहा है, उनको ले जाया जा रहा है। आप लोग शांति मार्च निकाले? ये सर, शांति मार्च निकाले थे, अपने हक के लिए लड़ रहे थे, मेरे हक में ऐसी कर रहे और किसी तरह का कोई उग्र प्रदर्शन हम लोग नहीं कर रहे, शांति तरीके से जा रहे हैं। फिर भी सर लास्ट की बात कर रहे हैं और सर बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि मतलब क्या है, देखिए मार्च में ब्लड निकल के कहा हमारा है कि यहाँ पे बच्चे को ब्लड टक निकल के गिरने के बाद नहीं मतलब मरने की स्थिति आ गई थी, ऊपर से गिर जाने के बाद पहुंच गए मतलब क्या जरूरी है, एक बार लाइन पर बताने के बाद बात तो करें खा देते जब सीएस का विपक्ष मतलब क्या कहते थे कि सरकार चोर है, मतलब गवर्नमेंट ऐसे प्रतिक्रिया नहीं बोल रहा था कि नहीं सरकार को मुआवजा देना चाहिए, पर अभी जब वो सरकार में था कि अपने पास क्यों नहीं मुआवजा दे रहा है, कब तक हम लोग आज एग्जाम का क्वेश्चन आउट होगा सर, क्यों सर बता दिए कि हम लोग नहीं पढ़े बात सिंपल सब बात चल रहा है सर, यहाँ बड़ा मुश्किल होता है सर, एक ठंडा का टाइम इतना दूर दूर सेंटर गया था कि बिना रूम लिए कोई नहीं, अगर हम लोग अनलिमिटेड फैमिली से है अगर समझ सकते हैं कि रूम लेना बहुत मुश्किल है हम लोग के लिए, 500-600-800 यहाँ एक मुश्किल चल रहा है, उसके बावजूद भी लगता है ठीक है कैसे भी करके एग्जाम हो जाता है, लेकिन एग्जाम होने के बाद क्या होता है सर, निराशा होता है, हर एग्जाम से डर लगता है। देखिए सभी अभ्यर्थी लगातार ये बोल रहे हैं कि हर एग्जाम से डर लगता है, सर हम तो शांति प्रदर्शन कर रहे थे, बीएससी सीजीएल का मांग कर रहे थे, कैंसिल किया जाए, एक शिफ्ट का कैंसिल कर दिया गया और दो शिफ्ट का हम लोग कैंसिल करवाने के लिए ये मार्च पैदल मार्च हम लोग निकाले थे दिल्ली बिहार के नेतृत्व में, लेकिन यहाँ पर बोलते के साथ यहाँ पे डॉक्टर मंगला चौराहे के पास पुलिस वाले ने अचानक से डंडा बरसाना शुरू कर दिया, जिससे लोग भागना शुरू कर दिया, लोग ज्यादातर पुराने भागदड़ में भी लोग तो गिर गए हैं, उन पर एक दूसरा स्टूडेंट चढ़ गया जिससे ज्यादा जख्मी हो गए हैं और लोग बेहरामी की तरफ पीटा है, जैसे लग रहा है कि हम लोग आतंकवाद हैं, जबकि कुछ निहत्ते हम लोग लड़ाई कर रहे थे, कोई ढेलेबाजी कोई पत्थरबाजी नहीं कर रहे थे। देखिए एक अभ्यर्थी लगातार रो रहे हैं, उनका क्या कहना है, उनको तो मार के तोड़ दिया, हाथ से मार के शांति मार के निकाले किस तरह से उनको मारा गया समझे, पूरा दल शांति मार्च कर रहे थे, लेकिन पुलिस थाना से आता है, राखी बरसा देता है, पूछताछ कहाँ मारता है, क्या हो गया आप लोग देखने रहे हैं सरकार से जाके तो कम से कम पूछेंगे, ये ठंड में सबके लोग हम लोग तभी जाकर के मारता है, समझी तरह से उनकी नाकामी है उसको है, लेकिन पार्शियली सर पूरी तरह से नहीं, पार्शियली भी गया है सर, यही विद्यार्थी लगातार बोल रहे हैं कि उन लोगों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाला गया, तभी आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे कई एक विद्यार्थी का हाथ तोड़ दिया गया, कई विद्यार्थी को बहुत सारा चोट लगा है, वो विद्यार्थी लगातार रो रहे हैं, चौंक रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी को पकड़ दिया गया, तो आपसे बता दें एग्जाम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें।